नगर निगम बोर्ड की बैठक शनिवार को टाउन हॉल में संपन्न हुई। बैठक में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, प्रभारी महापौर प्रकाश राम, उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी, अर्बन प्लानर मंजूर आलम समेत सभी वार्ड पार्षद मौजूद थे। बैठक के दौरान मुख्य रूप से 6 प्रस्तावों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक के दौरान मुख्य एजेंडा में गत बैठक की संपुष्टि पर विचार किया गया। प्रवेश शुल्क वसूली खुले डाक के माध्यम से कराने से संबंधित वार्ड पार्षदों द्वारा दिए गए आवेदन पर विचार, दरबान चौक बरगंडा चौक का नामकरण महाकवि विद्यापति चौक करने के विरोध में प्राप्त आवेदन पर विचार, व्यवहार न्यायालय गेट नंबर 2 के सामने नाली एवं कलभट्टा निर्माण एवं पंच मंदिर के पास जल जमाव से बचाव हेतु पेवर ब्लॉक बिछाने और नाली निर्माण कार्य पर विचार, कालीबाड़ी से आगे बीबीसी मोड़ कटपिस दुकान के सामने कलभट्टा निर्माण पर विचार, टावर चौक पर कलभट्टा निर्माण पर विचार किया गया। बैठक के दौरान सभी 6 प्रस्तावों पर बारी बारी से विचार करते हुए सभी वार्ड पार्षदों के बातों को ध्यान में रखते हुए उचित फैसला लिया गया। इस बाबत सदर विधायक ने बताया कि जितनी योजनाएं बोर्ड से स्वीकृत है उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाए ताकि वार्ड क्षेत्र वासियों को उसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम के वार्ड क्षेत्र में सरकार की ओर से जो भी खर्च राशि का प्रावधान है उसे हर संभव पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरा जहां तक सहयोग रहेगा वह किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रभारी महापौर प्रकाश राम ने बताया कि निगम बोर्ड की बैठक के दौरान सभी 6 स्थानों पर बारी बारी से चर्चा किया गया। उन्होंने कहा कि 20 वार्ड पार्षदों ने प्रवेश शुल्क वसूली नगर निगम स्तर के एजेंसियों से कराने की बात कही है। वहीं बरगंडा चौक का नामकरण महाकवि विद्यापति के नाम से नहीं हो सका क्योंकि ज्यादातर लोगों ने उसे बरगंडा चौक ही रहने दिया गया, लेकिन मेट्रो गली से अर्गा घाट तक जाने वाली सड़क अब महाकवि विद्यापति पथ के नाम से जाना जाएगा। इस पर नगर निगम ने अपना प्रस्ताव दे दिया है। 19 वार्ड पार्षदों के की राय को ध्यान में रखते हुए, आवेदन को ध्यान में रखते हुए पुनः विचारार्थ के लिए और बोर्ड की बैठक में उसको लाया गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बोर्ड की बैठक में जो निर्णय होता है वही सर्वोपरि होता है, तो पुनः उसको विचारार्थ के लिए लाया गया। उस निर्णय के आलोक में कुल 26 वार्ड पार्षदों में से 20 वार्ड पार्षदों ने और पुराना जो बोर्ड का निर्णय था एजेंसी से करने का, विभाग के माध्यम से करने का, उसको यथावत रखने के लिए और हाथ उठाकर लोगों ने सहमति प्रदान किया और पुनः एजेंसी के माध्यम से कराने का या नगर निगम के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया। तीसरा जो था वो दरवान चौक, जो हमारा बरगंडा चौक है विश्वनाथ मंदिर के पास का चौक, वह चौक काफ़ी पुराना चौक है और बरगंडा चौक के नाम से जाना जाता है। इस बात को वार्ड नंबर 10 के सम्मानित वार्ड पार्षद श्री रंजीत यादव के द्वारा उठाया गया कि वह चौक बरगंडा चौक के नाम से बहुत पहले से प्रसिद्ध है और 2014 की बोर्ड की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें उस चौक का नाम महान विभूति विद्यापति जी के नाम से करने का और प्रस्ताव पारित था। बाद में वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं सम्मानित नागरिक गणों के द्वारा और एक आवेदन दिया गया कि मैं यह चौक जो है पहले उस पर, और बोर्ड ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि क्योंकि यह पुराना से है तो इसको, इस निर्णय को शिथिल करते हुए बरगंडा चौक ही रखा जाए, और क्योंकि विद्यापति केवल किसी समुदाय के नहीं, किसी जाति के नहीं, वो ऐसे लोग पूरे देश के होते हैं, उनकी भावना, उनके जो समुदाय के लोग, कुछ लोग थे, उनकी भी भावना को कदर करते हुए, सम्मान करते हुए, और बोर्ड ने स्वतः संज्ञान लेते हुए और हमारी जो बोर्ड की सम्मानित वार्ड पार्षद श्रीमती नीलम झा जो थी, जो वो भी एक अप्लीकेंट के रूप में थी, उन्होंने उनसे सहमति प्रदान करते हुए और निर्णय लिया गया कि मेट्रोस गली से लेकर, मेट्रोस फैक्ट्री से लेकर और अर्धा घाट तक का जो रोड जाता है उसको महान कवि विद्यापति पथ के नाम से जाना जाए और बोर्ड ने इसको सर्वसम्मति से सहमति दी। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर,
क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन्ड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखलाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे धरियाडी गिरिडीह।